हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रंजन स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप गौर से याद कर लेना, क्योंकि इस बार के एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को जरूर पूरी देखना, इस वीडियो को मिस मत करना, ठीक है। दोस्तों चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका, 21 नंबर में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन है कि बिंदु 3.5 किस चतुर्थांश में स्थित है। दोस्तों आप लोगों को केवल एक ही चीज़ याद रखना है, प्लस और माइनस, किस में प्लस है और किस में माइनस, केवल प्लस माइनस चिन्ह को आप याद रखना है। दोस्तों आप लोगों को मालूम ही होगा कि प्लस कभी भी छिपा रहता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चतुर्थांश मैं आपको बताकर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। दोस्तों ये चतुर्थांश है और ये एक्स अक्ष है, ठीक है, और इधर वाई अक्ष हो जाएगा और इधर भी वाई, यहाँ एक्स अक्ष होगा, यहाँ पर भी एक्स, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक एक्स कॉमा वाई होता है, ठीक है। एक्स कॉमा वाई, सबसे पहले एक्स, उसके बाद से वाई, एक्स को भुज कहते हैं और वाई को कोटि कहते हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है 3.5, यानी कि 3.5 किस चतुर्थांश में स्थित है। दोस्तों याद रखना, पहला चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, दूसरा चतुर्थांश में प्लस माइनस होता है, और तीसरा चतुर्थांश में होता है प्लस अति माइनस माइनस, और जो चौथा चतुर्थांश होता है उसमें क्या होता है, माइनस और प्लस होता है। दोस्तों याद रखना, तो यहाँ पर दोनों में प्लस है, प्लस 3 है और प्लस 5 है, तो यहाँ पर आपका कौन सा चतुर्थांश होगा। जी हाँ दोस्तों, आपका पहला नंबर चतुर्थांश होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप ज़रूर याद करना, ठीक है। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है ये सी नंबर में आपका जो ऑप्शन दिया है, तो आपका यहाँ पर √3 कट जाएगा, तो केवल 2 बचेगा, तो 2 बचेगा, तो 2 एक परिमेय संख्या है, यानी कि इसका राइट आंसर सी ही हो जाएगा, ठीक है, याद रखना, राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक द्विघात समीकरण का घात होगा, एक द्विघात समीकरण का घात होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन सबको मालूम होना चाहिए, द्विघात समीकरण यानी कि 2 घात वाला समीकरण, द्विघात समीकरण तो उसका घात भी 2 होना चाहिए, ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 45° प्लस कॉस स्क्वायर 45° का मान निम्न में कौन सा होगा। दोस्तों साइन 45 का मान 1/√2 होता है और कॉस 45 का भी मान 1/2 होता है, ठीक है, 1/√2, ठीक है, तो यहाँ पर 1/√2 हम करेंगे, ठीक है, प्लस करेंगे फिर 1/√2 और दोनों का स्क्वायर है, ठीक है, तो दोनों पर इस पर हम लोग स्क्वायर करेंगे, ठीक है, दोनों पर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर मतलब हट जाएगा, ठीक है, तो 1/2 + 1/2, तो दोनों का मतलब एलसीएम करके हम इसका आंसर निकालेंगे, तो इसका आंसर क्या मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर मिलेगा 1, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। जी हाँ दोस्तों, प्रायिकता का अधिकतम मान, दोस्तों आपसे पूछेगा प्रायिकता का मतलब प्रोबेबिलिटी, यानी कि इसको इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, तो प्रोबेबिलिटी का अधिकतम मान क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान 0 होता है, ठीक है, याद रखिएगा, प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा होता है, ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि पाई है, तो जी हाँ दोस्तों, पाई क्या है, तो पाई आपका क्या आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर जो पाई है, पाई एक मतलब अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तो पाई क्या हो जाएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बहुपद x² + 2x + 1 का एक शून्य कौन है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग एलसीएम मतलब निकालोगे, मतलब एलसीएम इसको मतलब गुणनखंड तोड़ना, ठीक है, गुणनखंड तोड़ने के बाद आपको मतलब जो भी मान मिलेगा, जो माइनस में मान मिलेगा उसको मतलब हटा देना, और जो प्लस में मान मिलेगा वही आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है, तो इसका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पर 1 मिलेगा, ठीक है, आप लोग निकालिएगा जरूर, ठीक है, निकाल कर आप जरूर देखिएगा, ठीक है, प्लस में आपका यही मिलेगा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दोस्तों एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दोस्तों याद रखना, एक वृत्त है, इस पर हजारों लाखों स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, बहुत सारे स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इसको इसको हम गिन नहीं सकते, इसका मतलब इसका आंसर होगा यहाँ पर अनंत, इसका आंसर राइट हो जाएगा सी नंबर, इन्फिनिटी यानी कि अनंत, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आंकड़ा 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा, परिसर मतलब रेंज, ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, तो इसका आंसर आपका 21 मिलेगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है,
साइन 90 डिग्री, मतलब साइन 90 डिग्री थीटा माने, मतलब इसका मान जो कह रहा है, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट दिया है, आप लोग मतलब गलत मत समझ, ठीक है। यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा देना चाहिए, यहाँ पर माइनस छूट गया, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों बहुत ही मज़ा आ रहा है इस क्वेश्चन को मतलब बनाने में, और दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन को आप बनाना चाहते हैं दोस्तों तो इस चैनल पर बने रहना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं बहुत सारा वीडियो मैं आप तक तुरंत पहुंचा सकूं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों एक बार फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो मिलते हैं।